नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र को लेकर झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह मौजूद रहे। प्रभारी आरपीएन सिंह ने राज्य सरकार की कार्यों की तारीफ की। मानसून सत्र को लेकर कहा कि झारखंड के आदिवासियों की जमीन भाजपा की सरकार में लैंड बैंक में जमाबंदी करवाया था, उसको वापस करवाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। झारखंड ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर भी प्रस्ताव पारित करवाया जाएगा। वही कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर कहा कि विधायक की जो भी समस्या है उनकी जल्द से जल्द निराकरण कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने चुनाव के समय जो भी वादे किए थे वो पूरे किए जाएंगे। आज सत्र से पहले विधानमंडल दल की बैठक हुई। सबसे पहले सीएलपी और विधानमंडल दल ने बधाई नवनियुक्त अध्यक्ष और वर्किंग प्रेसिडेंट्स को दी। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण निर्णय विधानमंडल दल ने लिए हैं, जिसमें से 3-4 प्राथमिकता इस विधानसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी, जो हमारे मैनिफेस्टो में भी रही है, उन 4 चीज़ों को लेकर बहुत हाउस में इसको स्वीकृत करवाने के लिए पूरा प्रयास करेगी और सरकार पे हमारे विधायक उस पर प्रयास करेंगे कि इसी सत्र में पास हो। सबसे पहला विधानमंडल दल ने जो स्वीकृत किया है कि 27% आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए झारखंड में लागू करना अनिवार्य है और इसको विधानसभा के सत्र में कांग्रेस पार्टी 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात उठाकर इसको लागू करवाने के लिए झारखंड में प्रतिबद्ध है। दूसरी चीज़ जो है कि नियोजन को लेकर कुछ विधायकों ने अपनी बात रखी है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी मुख्यमंत्री से बात करके विधानमंडल दल के लोगों की जो दिक्कतें थे उनसे चर्चा करके उसमें सुधार लाने की बात की जाएगी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों की जमीन को लेकर लैंड बैंक बनाया था, उस जमीनों को सरकार से वापस उन गरीबों को दिलवाने का संकल्प विधानमंडल दल ने लिया है। और उस पे जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों से जमीन जो छीनी थी उसको गरीबों का हक वो जमीन वापस दिलवाने का भी संकल्प, लैंड बैंक को गरीबों को वापस देने का संकल्प विधानमंडल दल ने लिया है। वी टाइम न्यूज के लिए रांची से दिलीप सिंह परिहार की रिपोर्ट।